कैसे आप लोग आए हो? आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप लोग देख रहे हो कि मैं माइके में हूँ। पीछे का बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं माइके में हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना लास्ट ब्लॉग में कि मैं माइके जा रही हूँ। हाँ, 2 दिन हुए हैं मैं माइके में हूँ। तो कुछ दिन घूमने के लिए मैं आई थी। मेरी छोटी बहन भी है तो मैंने सोचा चलो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, तो इसीलिए मैं आ गई। मेरी मम्मी पापा बहुत दिनों से मीन्स बोल रहे थे कि मीन्स कुछ दिन आके रुक जाओ, कुछ दिन आके रुक जाओ। और वैसे भी मेरी तबीयत बीच में बहुत खराब हो गई थी ना, फीवर हो गई थी। तो फाइनली मैं आ गई। तो अभी मैं बहुत मस्ती कर रही हूँ यहाँ आके, बहुत बहुत ज्यादा बहुत खुश हूँ मैं। तो चलिए आज के ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो भी फ्रेंड्स, ये देखो मैं आई हूँ बाहर, बाहर का व्यू दिखाने के लिए। तो बहुत ज्यादा धूप है, हल्का सा हवा भी है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। कल रात से मुझे लगा था कि बारिश होगी लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं है। तो ये देखो कितने अच्छे फ्लावर, कितने बहुत अच्छा लग रहा है ना, कलर भी बहुत स्वीट है। तो ये पापा की गार्डन जो है, ये देखो क्रिसमस ट्री, ये सब फांस वगैरह। बहुत तेज मीन्स हवा चल रही है, देखो अच्छा लग रहा है बाहर। धूप है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है हवा की वजह से। और पापा का प्लान है कि गार्डन करेंगे मेज फ्यूचर में, इसीलिए अभी प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। आप लोग ग्रास देख रहे हो, जंगल मत समझना, क्योंकि प्लानिंग की वाइज है, ये जंगल नहीं है। पापा काट करते हैं इसको, तो पूरा जो है सामना का मीन्स हम फ्रंट पोर्शन पूरा ग्रास करेंगे। पापा का ये प्लान है, ग्रास में गार्डन होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी ब्लॉग में गार्डन, ग्रास वगैरह सब कुछ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप लोगों को पता है। ठीक वैसे ही मेरी पापा को भी बहुत ज्यादा पसंद है, शायद इसीलिए मुझे पसंद है, क्योंकि मैं पापा की तरह ही हूँ। इसीलिए इधर भी है देखो, स्वीट्स की मटकी जो होते हैं ना, शादी के टाइम लाए थे, मेरी छोटी बहन की शादी के टाइम था, अभी भी मम्मी ने स्टोर करके रखी है देखो। तो ये और एक चीज दिखा रही हूँ, ये देखो मनी प्लांट जो है हमारा, कितना मीन्स लंबा ऊंचा चढ़ गया है, देखो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया है देखो, नीचे से बहुत पुराना मनी प्लांट है, जैसे कि 10-11 साल का ऐसा एज है। और ये है कोकोनट ट्री, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोकोनट है भी लेकिन स्क्विरल जो है वो मीन्स बहुत ज्यादा हार्म कर देते हैं, फेंक देते हैं, खा लेते हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा खा नहीं पाते, ज्यादा तक वेस्ट ही कर देते हैं स्क्विरल वगैरह। और भी एक था गेट के सामने लेकिन वो काट कर दिया है, तो अभी एक ही है बस। अरे देखो मेरी ससुराल यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है बाहर का व्यू। तो अभी मैं दिखाऊंगी पीजीएस, क्यूट क्यूट पीजीएस। हाँ, मेरी बहन की क्यूट क्यूट पीजीएस। इस बार मीठू को मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मीठू घर पे नहीं है, मीठू गई है मामा के घर घूमने के लिए। तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मीठू नहीं है, नहीं तो मीठू के साथ भी मीन्स अच्छा सा मीन्स टाइम स्पेंड कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मीठू नहीं है। सो मिस यू मीठू, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मीठू। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पीजीएस को, तो अभी चलिए। तो फिर मैं चल रही हूँ ऊपर आप लोगों को पीजीएस दिखाने के लिए। एक्चुअली पीजीएस जो है वो छत पे है, नीचे नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पे देखो तेजस मामा का घर है, जो पहले कभी हमारा हुआ करता था, मैंने आप लोगों को बताया था। और ये है निंकी पे, जो मीन्स अच्छी सी वो हवा देती है हमें, अच्छा लगता है, और हेल्दी हवा भी है ना। तो मैं आ गई छत पर, मैं आप लोग देख रहे हो आज धूप नहीं है उतना भी, ये तो गर्मी बहुत ज्यादा लग जाती। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी ससुराल एक बार, देखो पीछे से वो। तो फिर फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीजीएन। तो ये रही पीजीएन जो है, देखो डर के मारे ऊपर चढ़ के, इसलिए लोग खाना खा रहे थे।
हैप्पी जेंट्स का जो घर है वो अभी साइड पे ही रखा है। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी है, तो इसीलिए साइड कर दिया है। और कुछ काम भी है केश का बाकी अभी भी, तो वो भी कंप्लीट करके अच्छे से मिल्स रखेंगे लोग। और ये देखो ये फ्रूट्स, आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत ज्यादा हार्ड है, ये देखो आवाज भी करता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटा है। देखो ये है मेहोगनी फ्रूट, मेहोगनी ट्री हमारे घर पे है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये रही ट्री जो है, देखने में ऐसा होता है। तो इसकी जो फल है ना बहुत ज्यादा हार्ड है, और भी है देखो। अगर एक बार इस सर पे मीन्स पर गया ना तो सर फट जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड है। देखो अंदर का पोर्शन देखने में ऐसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड है। और अभी पानी देखो गिर रहा है, मोटर ऑन किया था, मम्मी को पता नहीं चला शायद, तो कहेंगे। देखो यहाँ से कितना अच्छा लगता है ना नेचुरल ब्यूटी में, आप लोगों को एक बार दिखाती है। देखो ये है देवदीस मामा का घर का जो मीन्स पीछे का एरिया है वो है। और नीचे देखो ग्रीनरी, बहुत ज्यादा हवा आती है इस वाली ट्री से, मेहगनी ट्री से बहुत ज्यादा हवा आती है, अच्छा लगता है यहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन सेफ नहीं है वो मीन्स फ्रूट्स की वजह से। ये वो मैं एक बार आप लोगों को एक फ्रूट में जूम करके दिखाती हूँ, रुको कोशिश करूंगी मैं दिखाने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स मेहगनी फ्रूट, देखा कि नहीं, ये देखो मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड फ्रूट होते हैं। एक बार अगर मीन्स सर पे गिर जाए ना समझो मीन्स सर फट ही गया, ऐसा है। तो फिर अभी करूंगी लंच, लास्ट टाइम हो चुकी है तो लंच में क्या क्या है मैं आप लोगों को एक बार दिखा। तो ये है एक वो जो है बहुत मीन्स फेवरेट है मेरी, ये है पाप द फिश करी, और इधर है गॉड की सब्जी एंड दाल। तो ये है लंच की मेन्यू, तो अभी मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स आज के ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ एक बार मुझे बतानी थी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग वीडियो एंजॉय कर सको, है ना। तो फिर फ्रेंड्स जो ब्लॉग मैंने आज बनाई थी वो मेरे मायके से था, क्योंकि मैं अभी मायके में हूँ आप लोगों को पता ही है। तो कुछ दिन की ब्लॉग आप लोग मेरे मायके की देख पाओगे। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।